हेलो एवरीवन, माय सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर 11th क्लास अप्लाइड मैथ्स। तो इसमें मैंने आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 625 टू द पावर हाफ टू द पावर माइनस 1/4 एंड टू द पावर 2। तो मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपका रेडिकल साइन है, आप उसको एलिमिनेट करोगे। रेडिकल साइन के आपने बाद में देखना है, यदि आपका बेस फैक्टराइज होता है तो आप बेस को फैक्टराइज करोगे और फैक्टराइज करने के बाद आप उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखोगे। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपका जब मिलेगी तो उसके बाद आप उस पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करोगे और आपका जो आंसर होगा वो आपका पॉजिटिव पावर में देना है। अब देखो यहाँ पर जो रेडिकल साइन मेरे पास, इसमें कोई भी रेडिकल साइन नहीं है। अब मैं बेस को फैक्टराइज करता हूँ तो मेरा इसके जो बेस के फैक्टर होंगे वो आपका 5 to the power 4 मीन्स 5 into 5। आप अलग निकाल सकते हो 625, आपने इसको 5 से फैक्टर किए तो ये आपका 125, और आपने इसके 5 से फैक्टर किए तो ये आपका 25, और 5 से आपका 5 और ये 5 से आपका 1, तो मीन्स 5 to the power 4 अलग निकाल सकते हो। तो मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब इससे आपका पावर है वो आपका माइनस हाफ, और इसकी जो पावर है वो आपकी माइनस 1/4, और इस होल की जो पावर है दैट इज 2। ये मैंने इसको सिंपलीफाई किया है। अब देखो पावर 2 जो लॉज है, वेक्टराइज हो गया आपका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, अब लॉज अप्लाई करेंगे। तो लॉज अप्लाई में क्या है कि हमने तीनों पावर्स को, सभी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप पहले लास्ट कर सकते हो, फिर आप ये कर सकते हो, या एक साथ भी कर सकते हो। तो मींस 5 to the power 4 इंटू माइनस हाफ इंटू माइनस 1/4 और इंटू 2। अब आप कैंसिलेशन, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से आपका 4 और माइनस माइनस प्लस, मींस इसका जो आंसर होगा वो आपका 5 होगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 to the power -4 to the power -3/2। तो आप इसमें कोई भी आपका रेडिकल साइन नहीं है, बेस के फैक्टर्स आप इसके फैक्टर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ फैक्टर करके दिखाता हूँ। 256 आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2 और 2 to the 4 2 8 16 आपने फर्दर 2 से डिवाइड किया, 2 6 and 2 4 फर्दर 2 से डिवाइड किया दैट विल बी 32, 2 से आपने डिवाइड किया दैट विल बी 16, और इसको 2 से डिवाइड किया आपने 8, और इसको 2 से डिवाइड किया दैट विल बी 4, और इसको 2 से डिवाइड किया आपका 2, मींस आपका 1 2 3 4 5 6 7 and 8 2 to the power 8। अब आपका यहाँ बेस फैक्टराइज हो गया है। अब देखो ये माइनस, अब ये ब्रैकेट है तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर लिखा है 4, तो इसको भी फैक्टराइज करता हूँ, 2 to the power 2 और 2 to the power -3/2। ये मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया हुआ है, ये मैंने फैक्टर्स हैं यहाँ पर। अब आपको, अब देखो यहाँ से पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मीन्स दैट विल बी 2 to the power 8 और 2 to the power -, अब इसको सिंप्लीफाई कर दोनों पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो इट मीन्स 2 to the power 2 into -3/2, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका 2 to the power -3 दैट विल बी 1/8, तो 1/8 इसको आपने ये सिंप्लीफाई किया है कि आपका 2 to the power -3, आपने यहाँ देखो 2 to the power -3, अब पावर को पॉजिटिव करोगे तो बेस का रेसिप्रो मींस 1/2 to the power 3 और यू कैन राइट 1/8। तो मैंने इसको यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, इसको आपको सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ शो किया है एक्सप्लेन करके। अब आप इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर सकते, मीन्स 2 8 into -1/8, अब 8 से आपका 8 मीन्स 2 to the power -1, और आंसर आपको देना है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो आपका बेस का रेसिप्रोकल मींस 1/2। तो ये आपका इसका आंसर है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ML अग्रवाल जो बुक है अप्लाइड मैथ्स उसका ये एग्जांपल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81/16 to the power -3/4 (25/9 to the power -3/2) (5/2 -3)। तो पहले आपका जो बॉड मास के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे, तो इसमें आपका कोई रेडिकल साइन नहीं है। आप बेस को हम जो है साथ साथ सभी जगह फैक्टराइज करते हैं, तो 81 को आप लिखोगे 3 to the power 4, ये आपके 3 into 3 into 3 और ये आपका हो जाएगा 2 to the power 4,
एंड टू द पावर माइनस 3/4। आपने बेस को साथ साथ फैक्टराइज करोगे। अब देखो यहाँ पर आपका 25 है, ये आपका 5 to the power 2 और ये आपका 3 to the power 2 एंड टू द पावर माइनस 3/2 एंड डिवाइडेड बाई 5/2 पावर माइनस 3। अब आपने यहाँ पर रूल आपका है कि a/b और टू द पावर n है, तो आप इसका a to the power n और b to the power n या आपका इस तरह से, तो आप एक पावर यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर आपकी पावर सेम है, इट मीन्स आप 3/2 एंड टू द पावर 4 और इसका होल टू द पावर ये आपने माइनस 3/4 इसको आपने यूज़ किया हुआ है। अब ये आपका ब्रैकेट स्टार्ट होता है, सेम आप यहाँ लिख सकते हो 5/3 टू द पावर -2 और इसकी जो पावर होगी इनटू -3/2, मैंने पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर दिया है एंड डिवाइडेड बाई 5/2। पावर पॉजिटिव करोगे तो आपका ये बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, तो 2/5 टू द पावर -3, सॉरी ये आपका प्लस, बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो पावर आपकी प्लस हो जाएगी। अब देखो यहाँ मैं सिंपलीफाई करता हूँ, ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ भी आप पावर पॉजिटिव करोगे तो आपका ये 2/3 हो जाएगा और पावर आपकी प्लस की 3 हो जाएगी। यहाँ भी आपका बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 3/5 और पावर आपकी 3 हो जाएगी। तो अभी मैं इसको डिवाइड रखता हूँ, उसकी बात करेंगे 2/5 to the power 3। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ यहाँ पर, तो ये आपका 8/27, आप ब्रैकेट स्टार्ट इसको आप करोगे तो ये आपका 3/9/27/125 और ये डिवाइडेड बाई, अब आप इसको करोगे तो आपका 8/125 विल बी इक्वल टू 8/27 और ये आपका 27/125। अब आपने ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और इसका आपका रेसिप्रोकल 125/8। अब आप कैंसिल करोगे तो ये आप 125 से आपका 125 कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो फर्दर आपका मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं आपको नेक्स्ट इधर ही लिख रहा हूँ आपका, तो ये 8/27 और इनटू 27/8, आपका 8 से ये कैंसिल आउट, 27 से 27, दैट मीन्स आंसर विल बी 1। तो इसका आपका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट 4/216 to the power -2/3, 1/256 to the power -3/4 प्लस 2/243 to the power -1/5। कोई रेडिकल साइन नहीं है, आप फैक्टराइज करोगे भी इसको, तो ये आपका 4/ इट इज़ द क्यूब ऑफ 6, ये आपका 6 का क्यूब है एंड -2/3 प्लस 1/256 मीन्स 4 to the power 4 और 2 to the power -3/4। ये मैंने इसकी फैक्टर कर लिए हैं आपको 4 से, मैंने इसमें आप 2 के बेस से भी कर सकते हो, इसको भी आप 2 के बेस से कर सकते हो एंड प्लस 2/ और ये आपका होगा 3 to the power 5 to the power -1/5। अब आपका रूल है कि यदि पावर टू पावर हो तो दोनों पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मीन्स 4/6 to the power 3 इंटू -2/3 एंड प्लस 1/4 into 4 to the power 4 इंटू -3/4 एंड प्लस 2/3 to the power 5 इंटू -1/5। ये आपका कैंसिल आउट होगा, ये 4 कैंसिल आउट होगा, यहाँ आपका 3। अब ये 6 की पावर -2, यदि पावर पॉजिटिव करनी है तो आपका बेस का रेसिप्रोकल होता है, तो मीन्स 4/ अब जब मैं इसका बेस का रेसिप्रोकल करूँगा तो 6 का जो रेसिप्रोकल है वो आपका 1/6, तो वो 6 आपका ऊपर आ जाएगा, तो आपका 4 into 6 to the power 2 ये आपका न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा प्लस। अब आपका ये जो 4 है आपका, ये इसका रेसिप्रोकल, तो ये 4 आपका न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, तो मीन्स 4 to the power 3 और प्लस आपका ये 3 जो है माइनस, तो ये आपका 2 into 3, ये आपका 3 ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, तो आपका 36 और इंटू 4 और प्लस ये आपका 64 और प्लस आपका 6, तो ये आपका 70 हो जाएगा और इसको मैं 24 और 144 प्लस 70, सो दिस विल बी इक्वल टू 7/4 21 214। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट 1/4 to the power -2 -3 into 8 to the power 2/3 एंड 4 to the power 0
प्लस 9 अपॉन 16 टू पावर माइनस 1 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर मैं 20 फैक्टराइज करता हूँ तो ये आपका 1 अपॉन 2 स्क्वायर एंड टू द पावर माइनस 2 माइनस 3 इंटू ये आपका 2 टू द पावर 3 एंड टू द पावर 2 अपॉन 3 एंड ये आपका 2 अपॉन 3 है यहाँ पर एंड 4 टू द पावर 0 किसी पावर 0 की दैट विल बी 1 तो ये मैंने इसको 1 लिख दिया और प्लस 9 आपका 3 अपॉन 4 का ये होल स्क्वायर है और टू द पावर माइनस हाफ। अब इसमें आप रूल अप्लाई करेंगे पावर टू पावर आपकी पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 1 अपॉन 2 टू द पावर माइनस 4 क्योंकि दोनों पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी एंड माइनस 3 इंटू ये पावर आपकी मल्टीप्लाई होंगी तो 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 और प्लस आपका 3 अपॉन 4 इन टू द पावर 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 ये आपका 2 से 2 कैंसिल आउट होगा यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और ये आपका देखो पावर पॉजिटिव एंड बेस का रेसिप्रोकल 2 आपका आ जाएगा मीन 2 टू द पावर 4 माइनस ये आपका 2 का स्क्वायर 4 तो 3 इंटू 4 एंड प्लस अब आपका ये माइनस तो 4 अपॉन 3 ये आपका इसका बेस का रेसिप्रोकल पावर पॉजिटिव करने के लिए। अब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स आपका 16 माइनस 12 प्लस 4 अपॉन 3 तो आपका 4 प्लस 4 अपॉन 3 3 फोर 12 और 4 16 अपॉन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई 5 द पावर n प्लस 2 माइनस 6 इंटू 5 द पावर n प्लस 1 13 इंटू 5 द पावर n माइनस 2 इंटू 5 द पावर n प्लस 1। अब आपका देखो रूल है आपका x टू पावर m प्लस n यू कैन राइट x टू पावर m इंटू x टू पावर n बेस आपका ऐड हो रहे हैं पावर में तो आप अलग अलग बेस पर भी लिख सकते हो मीन्स नेक्स्ट वी कैन राइट दिस 5 टू द पावर n इंटू 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 अपॉन 13 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। अब मैंने इसलिए किया है कि इसमें 5 टू द पावर n आपका कॉमन हो जाएगा तो इसमें से कॉमन निकाला 5 स्क्वायर दैट विल बी 25 माइनस 5n कॉमन निकाला 5 इंटू 6 दैट विल बी 30 अपॉन यहाँ से आपने 5 टू द पावर n कॉमन निकाला तो दैट विल बी 13 एंड यहाँ से निकल गया तो दैट विल बी 10। अब आपका 5 टू द पावर n से आपका ये कैंसिल हो जाएगा एंड 25 माइनस 30 दैट विल बी माइनस 5 एंड 13 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 3 सो योर आंसर दैट विल बी माइनस 5 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ a इज इक्वल टू b टू द पावर 2x एंड b इज इक्वल टू c टू द पावर 2 c टू द पावर 2y एंड c इज इक्वल टू a टू द पावर 2z देन प्रूव दैट xyz इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। तो अब देखो मैं फर्स्ट इसको लेके चलता हूँ a इज इक्वल टू b टू द पावर 2x। अब देखो b की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है तो मैं अब b की वैल्यू पुट करता हूँ b की वैल्यू आपकी c टू द पावर 2y और इसकी पावर आपकी 2x। अब एक्सपोनेंट रूल से आपकी दोनों पावर ये मल्टीप्लाई होंगी मीन्स यू कैन ऐड सी टू द पावर 4xy। अब देखो सी की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है दैट विल बी ए टू द पावर 2z तो मैंने यहाँ देखो ए टू द पावर 2z ये सी की वैल्यू पुट की है एंड टू द पावर 4xy। अब यहाँ से मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मीन्स आपका पावर टू पावर मल्टीप्लाई होंगी तो आपका ए टू द पावर 8xyz और दैट विल बी इक्वल टू ए। ऑन कंपेयरिंग If bases are same, then their powers will be equal. It means you have 8xyz that will be equal to 1 or xyz that will be equal to 1 upon 8. तो ये आपको यहाँ पर प्रूव करना था। If a, b, c is equal to 1, then prove that 1 upon 1 plus a plus b minus 1 plus 1 upon 1 plus b plus c to the power minus 1 and 1 plus 1 upon 1 प्लस सी प्लस ए टू द पावर माइनस 1 दैट विल इक्वल टू 1। अब मैं इसकी देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं इस पावर को पॉजिटिव करूँगा तो बेस का रेसिप्रोकल होगा मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन बी एंड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन सी एंड प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए। आपका पहले मैं इसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं तो पहले एलसीएम देखो क्या आता है इसका कि 1 अपॉन पहले मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो आपका ये b तो आपका यहाँ से हो जाएगा b प्लस ए बी एंड प्लस 1
और प्लस मैं क्योंकि ए और बी में आंसर रखना चाहूँगा तो मैं यहाँ से क्या है सी को हटाऊँगा और यहाँ से भी मैं आपको सी को, अब देखो सी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करो पहले, तो आपकी जो सी की वैल्यू होगी मीन्स दिस इक्वेशन गिव सी इज इक्वल टू 1/ab, तो ये मैंने वैल्यू यहाँ पर 1/ab, तो सी की वैल्यू में 1/ab पुट करूँगा, तो ये 1+b प्लस, अब देखो सी की वैल्यू 1/ab, यहाँ 1/c है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मीन दैट विल बी ab एंड प्लस, अब देखो यहाँ मैं डालूंगा वैल्यू तो ये 1/1+c इज इक्वल टू 1/ab और प्लस 1/a। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बी आपका इधर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका b/ab+1 एंड प्लस, इसमें आपका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, 1+b+ab एंड प्लस। अब देखो यहाँ एलसीएम लेते हैं ab, तो ये एलसीएम मेरा ऊपर आ जाएगा, मैं इसको एलसीएम यहाँ दिखा रहा हूँ, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, ये ab आपका यहाँ एलसीएम आएगा, तो ये आपका ab आएगा एंड प्लस 1+b। अब देखो इन सभी के आपके तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स यू कैन ऐड दीज न्यूमरेटर्स, तो आप न्यूमरेटर ऐड करेंगे देन b+1+ab और अपॉन b+1+ab और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा मींस योर आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू √28 एंड y इज इक्वल टू √27 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x+y+1/x2+xy+y2। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट आपका रेडिकल साइन है, कब खत्म हो सकता है, जब इसका क्यूब मिल जाए। तो अब मैं देखो यहाँ पर जो है आइडेंटिटी फॉर्म कर सकता हूँ, यदि मैंने इस टर्म को x-y से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से मैंने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये आपकी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी a-b a² + ab + b² मीन्स aq-bq, इट मीन्स दिस will be equal to x+y + x-y here upon it will be x³ - yq and put the value of x and y here, so x is √28, it will be √28 plus it will be √27 and plus it will be √28 माइनस q√27 एंड होल क्यूब मीन्स 28^1/3, ये क्यूब रूट हो गया एंड होल क्यूब दैट इज 3 माइनस 27, ये आपका 1/3 एंड होल टू द पावर 3। अब आपका पावर मल्टीप्लाई होंगी, ये आपका कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल, तो 28 - 27 दैट विल बी 1 और दिस q√28 + q√27 एंड प्लस q√28 एंड माइनस q√27, तो ये आपका माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन्स वी कैन ऐड दिस टू और यू विल राइट दिस टू ट्वाइस ऑफ q√28। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, मीन्स आपका x इज दिस, y इज दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x+y - 1/this। तो अब सेम आपको यहाँ पर देखो, मैंने x-y से मल्टीप्लाई किया और इधर भी आपने x-y से मल्टीप्लाई किया है। अब आपका ये आपका फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा x³ - yq और ये आपका x-y और यहाँ आपका जो साइन होगा दैट विल बी माइनस, और तो ये आपका मैंने वैल्यू पुट की है x की, ये आपका q√28 है, ये आपका q√27 है, ये आपका साइन जो होगा वो माइनस और ये आपका q√28 q√27 और होल क्यूब, ये मैंने वैल्यू पुट की है। तो अब देखो माइनस साइन से ये साइन आपके चेंज होंगे, मींस देन दिस विल बी कन्वर्टेड टू द माइनस साइन एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू द प्लस साइन। तो अब आपका यहाँ से जब ये पार्ट आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो ये टर्म आपका कैंसिल आउट होगा इस केस में, और इन दोनों को हम ऐड करके ट्वाइस ऑफ q√27, अब आप जो 27 के फैक्टर लिख सकते हो, सो दैट विल बी 3^3 और इसका क्यूब रूट को रेडिकल साइन रहेंगे दैट विल बी 1/3 एंड 2 इज द आउटसाइड द ब्रैकेट, तो 3 से आपका 3 कैंसिल, मींस इन दिस केस आंसर विल बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1176 इज इक्वल टू 2^p 3^q एंड 7^r देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p q and r, तो आप देखो इसको फैक्टर करो और बाई 2, 3 and 7, तो मैंने देखो 1176 पहले मैंने 2 से किया, तो आपका 2, 5, 10, 2, 8, 16, 2, 8, 16। फर्दर आपने 2 से किया
टू टू द फोर, टू नाइन द 18 एंड टू फोर द 8। फिर आपने टू से किया, टू वन द टू, टू फोर द टू, सेवन द 14। अब आपका ये जो कैंसिल होगा दैट विल बाई 3, तो 3 से हम कैंसिल करते हैं तो 3 4 द 12 एंड 3 9 द 27 एंड 7 दैट विल बी 7। इट मीन्स यू कैन राइट दिस 76 1 2 एंड 3 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 2 दैट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर p, 3 टू द पावर q एंड 7 टू द पावर r। सो बेसिस आर सेम, देन वी कैन कंपेयर द पावर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। सो हियर 2 टू द पावर 3 एंड हियर 2 टू द पावर p, देयर फोर p इज इक्वल टू 3 ऑन कंपेयरिंग। एंड 3 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर q मीन्स q इज इक्वल टू 1 एंड 7 टू द पावर 2 एंड 7 टू द पावर r, देयर फोर r इज इक्वल टू 2। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ p, q एंड r। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस इक्वेशन 3 अपॉन 5 टू द पावर माइनस 1 माइनस 2x होल रूट इज इक्वल टू 4 एंड 17 अपॉन 27। तो अब देखो, मैं पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को आपका इम्प्रॉपर में चेंज करूंगा, तो ये आपका 3 अपॉन 5 टू द पावर 1 माइनस 2x एंड रूट ऑफ दिस दैट विल बी इक्वल टू आपका 27 इंटू 40 108 एंड 108 प्लस 17 दैट विल 5 अपॉन 27। ये मैंने इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया है। अब मैं बेस को यहाँ फैक्टराइज करता हूँ और रेडिकल साइन को यहाँ से एलिमिनेट करता हूँ, तो आपका ये 3 अपॉन 5 एंड टू द पावर 1 माइनस 2x एंड होल टू द पावर हाफ। मैंने रेडिकल साइन को, क्योंकि यहाँ पर इसके जो पावर नोटेशन होता है दैट विल 1 अपॉन 2 और इज इक्वल टू इसके फैक्टर करते हैं तो ये 5 और 3 टू द पावर 3। ये आपका क्यूब, ये आपका क्यूब ऑफ 5 है, ये आपका क्यूब ऑफ 27 है। आप फैक्टर अलग से कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर मैं 3 अपॉन 5 और यहाँ मेरा 5 अपॉन 3, मैं जब दोनों इक्वेशन है तो दोनों के बेसिस मेरे जो है वो सेम होने चाहिए। इट मीन्स यू कैन राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। जब बेस का हम रेसिप्रोकल लिखते हैं तो पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ मैं माइनस कर दूंगा, तो ये मैं इसको पावर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 अपॉन 5 टू द पावर 1 माइनस 2x अपॉन 2, ये मैंने पावर को मल्टीप्लाई किया है, और इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 टू द पावर माइनस 3। सो अब बेसिस आर सेम, देन वी कैन कंपेयर दीज एक्सपोनेंट्स। इट मीन्स यू कैन राइट हियर 1 माइनस 2x अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस 2x दैट विल बी इक्वल टू माइनस 6 और 2x इधर ले जाते हैं 6 का आपका, तो 2x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। सो वैल्यू ऑफ x हियर इन दिस इक्वेशन इज 7 अपॉन 2। योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 4 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 32। सी, आप इसको बेस को फैक्टराइज करेंगे तो देखो आपका ये 2 टू द पावर 2 और टू द पावर 2x, और आप इस बेस को फैक्टराइज करेंगे 1 अपॉन 2 टू द पावर 5। अब आपका यहाँ बेस देखो 2 है, मैं पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 टू द पावर 4x, और देखो यहाँ बेस 2, तो मैं अब इसका बेस का रेसिप्रोकल करता हूँ तो आपका पावर माइनस 2 टू द पावर माइनस 5, ये आपका माइनस 5। अब आपके दोनों बेस सेम है, इट मीन्स पावर विल बी इक्वल, मीन्स 4x दैट विल बी इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन होगा। तो अभी जो मैंने इतने भी डिस्कस किए हैं, देन दीज क्वेश्चंस बिलोंग्स टू ML अग्रवाल ऑफ क्लास 11th अप्लाइड मैथ। तो ये मैंने सभी एग्जांपल, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द एक्स क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू अगेन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।